मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हनुमान जी क्या डराते हैं, हनुमान जी का सच। अब बताओ हनुमान जी से आपको क्या डर लगता है? हाँ हाँ, कि गंदगी नहीं लगा दूं। गंदगी क्या, गंदगी ना लगा दूं? वही अपने बॉडी की। बॉडी की पूरा खुल के बोल दो, उसमें बोलने में शर्म क्या है? कुछ पोटी नहीं लगा दो, यूरिन नहीं लगा दो, कुछ ऐसा विचार आता है। तो अब लगा दूं, ये आपका मात्र विचार है या ऐसा आपने कर दिया? विचार है। विचारों से कभी लगना हो सकता है? थॉट नॉट इज इक्वल टू एक्शन। जो आप सोच रहे हो कि मैंने सोच लिया और हो गया, ये संभव नहीं है। और फिर अगली बात, हनुमान जी को गंदगी कैसे लगाई जा सकती है? अगर आप गंदगी लगाओगे तो वो फोटो पर लगाओगे, फोटो तो पत्थर की बनी है या कागज की बनी है, तो फिर हनुमान जी को कैसे लगी? क्या मूर्ति के अंदर हनुमान जी बैठे हैं? बताओ है? तो फिर गंदगी कहां लगी? कागज पर। और वो भी गंदगी नहीं है, जो हमारी बॉडी का निकला हुआ पदार्थ है वो भी तो हमारा ही एक भाग है। जैसे जो खाना खाया वो ऑटोमेटिक प्रोसेस के दौरान पाचन पचा, फिर वो निकल गया, तो पोटी भी तो गंदी नहीं है। पोटी वही है जो हम खाते हैं। जैसे गाय का गोबर गंदा होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि गाय को पवित्र माना गया है। हाँ, तो पवित्र माना गया। इंसान की पोटी को पवित्र नहीं माना गया, इसलिए वो गंदी है। अगर पवित्र माना जाता तो ये भी पवित्र होती। अब मुसलमानों को तो वो गंदा लगेगा, गाय का गोबर, क्यों नहीं लगेगा? लगेगा उनको। हाँ, क्यों लगेगा उनको? गाय को मानते नहीं है। हाँ, तो सारी चीजें फिर मानने से है। हमने जो मान लिया वो हमारे लिए सच बन गया। हिंदू तो गाय का मूत्र भी पी जाते हैं, है तो वो भी पेशाब। गोवर्धन देवता, गोबर के भी देवता बना दिए, वो कैसे देवता बन गए? तो ऐसे तो पोटी भी देवी है, यूरिन भी देवता ही है। तो जो हमने खाया वो निकलेगा, वो पोटी बन गया। जो गाय खाएगी वो निकलेगा, वो गोबर बन गया। अब गाय का निकला हुआ शुद्ध, इंसान का निकला हुआ अशुद्ध, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि गाय को तो पूजते हैं सर। पूजते हम ही हैं, हमने ही पूजा स्टार्ट की है। तो चाहे हम बकरी को पूज लेते हैं, कुत्ते को पूज लेते हैं, पूजने को तो किसको ही पूज लो। अर्थात ये हमारा एक बिलीफ है, एक हमारी धारणा है, एक सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पूजा पाठ सिर्फ हमें लगता ही है, जिनका सच में कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। ये हमारी मात्र एक सोच है। इंसान की पोटी गंदी है, ये भी मात्र एक हमारी सोच है। पेशाब कैसे गंदा हो सकता है? जो पानी हमने पिया वो निकल गया। और भारत के तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुद पीते थे, और कई बार कैंसर चिकित्सा में सेवई मूत्र का सेवन करना बताया जाता है। बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने सेवई मूत्र का सेवन किया है, तो पेशाब भी गंदा नहीं हुआ। अगर मान लो मूर्ति के ऊपर कौन पोटी या शिशु चढ़ाएगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ आप डरते हो हनुमान जी से, इसलिए ये विचारों में आ गया है। जब आप डरना बंद कर दोगे कि अरे हनुमान जी प्रकृति के नियमों का ही नाम है, जो एक कहानी है उसके अंदर एक पात्र है, और पोटी भी तो कणकण से बनी है, पोटी में भी कृष्ण है, मूर्ति में भी कृष्ण है, यूरिन में भी कृष्ण है, तो सब जगह है तो भगवान ही। तो पोटी ना गंदी है, ना यूरिन गंदा है, ना पोटी को किसी पर लगा दिया तो कुछ होने वाला है, ये तो आपका सिर्फ एक मात्र भ्रम है। तो आपका डर कमजोर हो जाएगा, डर कमजोर हो जाएगा तो ये ऑब्सेशन निकल जाएगा। ओसीडी जब तक जिंदा है जब तक डर है, जैसे डर गायब ओसीडी अपने आप गायब। ओसीडी की खुराक या ओसीडी सिर्फ डर के अंदर ही जीवित रह सकता है। मैं आपका डर निकाल रहा हूं कि हनुमान जी को कोई लेना देना नहीं है इन आपके विचारों से, उसको कोई भय नहीं आ रहा। चलो विचार आ गए पोटी के शिशु के, तो विचार आने से क्या आपने लगा दिया?
विचार आने से आप क्या करते हो फिर? वही मैंने आपको बताया था कि मन ही मन में कंपल्शन करना। हाँ, तो मन मन कंपल्शन करके वो आप रिवर्स करते हो, तो ये तो चक्कर में फंस जाओ। तो अभी डर आ रहा है हनुमान जी के प्रति, अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आना मैंने विचारों में लगाया, सच में नहीं लगाया। हाँ, तो विचारों में तो हम सोना भी चढ़ा सकते हैं, तो क्या फिर सोना दे देगा हमें कोई? विचारों में चढ़ाना है तो सोना भी चढ़ा सकते हैं ऐसे तो फिर आपको विचारों में ही आ सकते थे कि सर मैं जोत पिया के पास गया और ठीक हो गया। अगर सारी चीजें आप विचारों में कर रहे हो तो विचारों में ही हो जाती ना, और फिर कहते मैंने अब इलाज ले लिया जोधपुरिया से, अब मैं पैसे भेजूंगा, तो बैंक में चले जाते क्या पैसे भेजने? तो फिर वो ऑब्सेशन को क्यों नहीं सच मानते? अगर इस ऑब्सेशन को सच मान रहे हो तो इस ऑब्सेशन को सच मानो कि मैंने जोधपुरिया से ट्रीटमेंट ले लिया। मैं आज वीडियो में बोल रहा हूँ, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट ले लिया, अब उनको पैसे भेजने हैं भाई। अगर नहीं भेजोगे तो देख लो, अब पता लग जाएगा वो कौन से ऑब्सेशन को सच मानते हैं और कौन से को झूठा। तो हनुमान जी सिर्फ हमारे एक एक रामायण के देवता हैं जो हजारों साल पहले थे ही नहीं। जब वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखी थी तब हनुमान जी कहाँ थे? थे ही नहीं। जब कहानी ये सामने आई तो हनुमान जी आ गए, तो आज से हजारों साल पहले हनुमान जी थे ही नहीं। ये तो कहानियां बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, देवता आते रहते हैं, मिटते रहते हैं, इनका कोई सच से थोड़ी ना लेना देना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ समाज को शिक्षा देने के लिए, समाज में नीति नियम स्थापित करने के लिए ये साहित्य लिखे जाते हैं। तो वेदव्यास जी ने ये साहित्य की रचना की थी समाज में खंडित हो रहे नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए। तो हनुमान जी के माध्यम से वो संकेत देना चाहते हैं कि भक्त हो तो ऐसा, फॉलोवर हो तो ऐसा जो अपनी स्वामी के लिए कुछ भी कर गुजर जाए। तो उन्होंने एक सिंबॉलिक फॉर्म में हनुमान जी को रखा है कि ये प्रतीक है कि अच्छा फॉलोवर, ऐसा अच्छा अनुयायी ऐसा होता है। समर्पण और भक्ति को हनुमान जी के माध्यम से दर्शाया गया है। हनुमान जी कोई रियल में थोड़ी ना है, वो तो एक कहानी के पात्र मात्र है रामायण के। हाँ, ऐसे एक हरक्यूलिस है, हरक्यूलिस से आप डरते हो? क्योंकि आपने नाम ही नहीं सुना। अगर आप किसी और जगह पैदा होते, हरक्यूलिस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती तो आपके लिए वो भगवान बन जाता। ऐसी जो जातक कथाएं होती है, जो साहित्यिक कथाएं होती है, कई बार वो लोगों के मनों में इतना गहरा स्थान बना लेती है कि उसके जो पात्र हैं वो भी जीवित नजर आने लग जाते हैं, जीवित फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उन पर जितना सोशल मीडिया फिल्मांकन करता है उतना वो और ज्यादा जीवित होते जाते हैं। ओके, अब क्या आ रहा है मन में? मन में यही आ रहा है कि कितना झूठ है और कितना सच्चाई का वो है। हाँ, तो आज तक तो आप झूठ में ही जी रहे थे। जो सालासर में रहते हैं वो तो हनुमान जी को बेचते हैं, वो तो हनुमान जी के नाम पर फोटोएं बेच रहे हैं। तो बताओ कोई भगवान को ही बेचता है? ये देखो फोटोएं कितनी बिकती, तो लोग हनुमान जी को पैसे ले लेके, ये मूर्तिकार है जिसने ये फोटो बनाई उसको तो पैसे मिले होंगे ना। ये अगर फ्री में बांटते हैं क्या कोई? हाँ, अब बताओ। तो उन्होंने तो हनुमान जी बेच दिया, हनुमान जी ने कहा नहीं अरे मेरे को बेच रहा है बंदे। अरे हनुमान जी कहाँ गए? ये रे वो बालाजी खाना। हाँ, ये देखो देखो अभी कितने गंदे पेपर पे बना है। कागज पर ही तो बना है ये, हनुमान जी कैसे हुए? जो कागज है हाँ?
पानी आता है उस पेपर नहीं पेपर पे फैक्ट्री के पानी 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 जो आया कागज में रंग कागज सारा कुछ तो खेतों से गया खेतों में पोटी हम जाते हैं तो पहले इसके ऊपर चढ़ी हुई है ना वो तो जो पेशाब है पेशाब हम जाते हैं खेतों में जाता है खेतों में से तो ये कागज गया है ना पानी गया है रंग गया है सब कुछ तो ऐसे ही है प्रकृति का नियम है जो बहता रहता है जो सर्कल में आ गया वो शुद्ध होता रहता है तो अब हनुमान जी की मूर्ति देख के क्या विचार आया बोलो है? बोलो तो वीर्य का विचार आ रहा है हाँ क्या वीर्य का क्या विचार आया वीर्य है चढ़ा दिया और लगा दिया और हाँ चलो कोई नहीं इस विचार को डिलीट करते हैं ठीक है अगले वीडियो हनुमान जी के प्रति गंदे सेक्सुअल विचार आना रिलीजियस होते हैं तो अक्षय कुमार जी हैं जिनको हनुमान जी के प्रति वीर्य के विचार आ रहे हैं तो अभी आप फोटो देखो और बताओ कौन से विचार आ रहे हैं गंदगी लगा दी हो कहाँ लगा दी हो कहाँ कहाँ बताओ उंगली करके बताओ उंगली लगा करके बताओ हाँ बताओ सारी चीजें ऐसे लग रही है जैसे चेहरे पे लगा दी हो हाँ लगा उंगली लगा के लगा दी लग गई तो अब आप बोलो कि मैं गंदगी लगा रहा हूँ हनुमान जी को मैं गंदगी लगा रहा हूँ ओसीडी वाले कुत्ते बिचारो आ जाओ गाली निकाल निकाल के बुलाओ ओसीडी बिचारो गंदे हनुमान जी को गंदगी लगा रहा हूँ ओसीडी के गंदे बिचारो आ जाओ मैं हनुमान जी को गंदगी लगा रहा हूँ ओसीडी के बिचारो गंदगी के बिचारो भगवान जी को गंदगी लगा रहा हूँ ये 21 दिन तक अभ्यास करना है आपने बताओ बिचारो मैं ये देखो बजरंगबली अब बताओ मन में दिख नहीं रही है मन में है दिख नहीं हाँ तो मन में ओसीडी है वो ओसीडी आपका सच है या झूठ है झूठ तो अर्थात इस कागज पर तो कुछ लगा ही नहीं तो जब कागज पर नहीं लगा तो हनुमान जी को कैसे लग गया अब देखो मेरे मैं तो वो लगा रहा हूँ ना अरे जी देखो अब बताओ कुछ हुआ है बोलो है? मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है कि ये कागज है तो कागज को कुछ करने से क्या हो जाएगा बोलो आपको मन में क्या आ रहा है कुछ नहीं सर विचारों को बुलाओ फिर से बुलाओ ओसीडी के विचार आ जाओ ओसीडी के विचारों गंदे 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 विचार आ जाओ ओसीडी के गंदे विचार आ जाओ ओसीडी के गंदे विचार आ जाओ ओसीडी के गंदे विचार आ जाओ अब जैसे है ना नीचे है ना सर राम लिखा हुआ है और जहाँ आपका हाथ है नीचे नीचे सबसे लास्ट में सब जगह ही है पर ये सबसे लास्ट ये रहा है ना ये रहा तो जैसे आपने पैर पे टेक रख पैर पे रख रखा था उसी का ही वो हो रहा था इस सर में ना पैर लगा रखा हाँ तो सर का काम है ना सर को पंगा होगा ना आपको क्या दिक्कत है इससे लोग तो कुएं में गिरेंगे अपने को क्या लेना देना आप अपनी सोचो ना जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या होता करंट आता तो सबको आता ना अगर इसमें कोई करंट होता तो मुझे लगता ना अब मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही क्योंकि मुझे पता है कि मात्र कागज है ऐसे ही ये सच में कागज है सिर्फ आपका ओसीडी कह रहा है कि ये गंदगी लगा दी ये आपके झूठे विचार हैं
जिनका सच्चाई से ना कोई लेना देना था, ना है, ना होगा। ओके, अब आ रहे हैं विचार, अब क्यों नहीं आ रहे? ये सब झूठ है। तो बस ये मन में रखना यार, ये झूठ है, ये ओसीडी का ड्रामा और कुछ नहीं। ऐसा आपने 21 दिन करना है और आप एकदम रिकवर हो जाएंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। विकास जी नया शुरू करना, अभी रेस्ट करना है या कंटिन्यू रखें?